यहाँ से लगभग जुलूस निकलते हैं, यहाँ से एक जुलूस निकलता है, इस रास्ते से निकलते हैं, पुरुलिया रोड से एक जुलूस निकलता है, लगभग 13 से 15 जुलूस इस मार्ग से जाते हैं। रास्ता 15 फीट का एक साइडेड है और काफ़ी भीड़ यहाँ से चलती है। तो जो रास्ते के साइड के जो शोल्डर एरिया है वहाँ पे जहाँ पे ब्लॉक्स हटे हुए उसको हमने रिस्टोर करने के लिए बोला है। जे जो जो पेड़ इस तरह से बाहर आए हुए हैं या बिजली के तारों के साथ जो क्लैश कर रहे हैं उस पेड़ों को हमने छाँटने के लिए बोला है। कुरेशी मोहल्ला और बारी मस्जिद ये काफ़ी सेंसिटिव पॉइंट्स से हैं से, तो यहाँ पे हम चेक पोस्ट बनवाने वाले हैं ताकि जो पुलिस फोर्स रैफ रैप या पुलिस के जवान ये लोग जो वहाँ पे तैनात रहते हैं उन लोगों के लिए एक चेक पोस्ट के ज़रिए निरीक्षण करने के लिए एक पॉइंट मिल जाए। और ख़ासकर जो गाड़ियाँ यहाँ पे चल रही है तो जिनके साइलेंसर्स निकाले हुए हैं या जो स्टंटबाजी कर रहे हैं ऐसे गाड़ियों पर विशेष निगरानी की जा रही है। तो यही विशेष सूचनाएं रही कि जहाँ पे बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं मलबा निकल गया है या जहाँ पे उन्होंने साइड में एक्यूमुलेट किया है उसको हटाने के निर्देश दिए हैं। जिम मैडम काफ़ी देर रात तक चल रही थी, उस पर भी कार्रवाई करने को कहा आपने? आप जिम को देखते होंगे, जिम का ऊपर प्रॉपर छत नहीं है, एस्बेस्टस के रूफ के साथ एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, जो छत के ऊपर बनाया हुआ स्ट्रक्चर है उसका कितना डेविएशन है क्या है कल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन उसको देखेगा। देर रात तक वो ऑपरेशन भी था और साथ ही साथ जो नीचे गाड़ियाँ लगाई है वो गाड़ियों की पार्किंग भी सही नहीं थी, तो बहुत सारे डेविएशंस यहाँ पे पाए गए हैं, तो इसके तहत उसको बंद कराया गया है। मैडम सीसीटीवी कैमरा जितना एक्टिवेट है, सीसीटीवी कैमरा जो लगाए हैं वो तो ऑपरेशनल है ही, एडिशनल ऐसे कोई पॉइंट्स नहीं हो जो छूटे हुए हो इसके लिए और सीसीटीवी कैमरा कहाँ लगवाए जाए उसका भी हमने इस वॉकिंग रिव्यू के दरमियान एक रिव्यू ले लिया है। कितना फोर्स भी डिप्लॉयड हुआ है क्या कुछ कंपनी? देखिए रैप की एक कंपनी आती है, रैप के दो कंपनी आते हैं, होमगार्ड होते हैं, सिविल डिफेंस के लोग होते हैं, पुलिस होती है, मजिस्ट्रेट होते हैं, अन्य जिन जिन लोगों की इस दरमियान ड्यूटी लगती है वो होते हैं, अखाड़ा से हम लोग भी वॉलंटियर्स की लिस्ट मंगाते हैं वो लोग होते हैं। तो जनरल सभी लोगों का यही प्रयास रहता है कि इसको अच्छे से पार किया जाए। तो सिविल साइड से मतलब जितने सारे सिविक एमिनिटीज़ है उनमें जो जो कमियां हैं उसको हम देख के जुस्को के साथ और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साथ यूएलबी के साथ समन्वय में ये लोग अगले 3-4 दिनों में जो कमियां हैं उसको पूरी करेंगे। मैडम जैसे चेक पोस्ट का आपने कहा, कितने चेक पोस्ट बने हैं रामनगर में? जैसे अभी हनुमान मंदिर के सामने त्रिकोणा है, यहाँ पे एक चेक पोस्ट बन सकता है, बारी मस्जिद के बगल में एक जगह है वहाँ पे चेक पोस्ट बन सकता है, मुंशी मोहल्ला के सामने जो सेंट्रल वर्ज है वहाँ पे एक चेक पोस्ट बन सकता है, मानगो गोल चक्कर है जहाँ पे अभी हमने कुछ दुकानें हटाई थी वहाँ पे चेक पोस्ट बन सकता है, जहाँ पे ज़्यादा लार्ज क्राउड कॉन्ग्रेगेशन होता है जहाँ पे जुलूस 3-4 जगह से आके मिलते हैं मर्ज होते हैं और आगे चलते हैं वहाँ पे थोड़ा सा डिटेल माइन्यूट सुपरविजन की ज़रूरत होती है, उस जगह पे चेक पोस्ट ज़रूर बनाए जाए।